व्लॉग करना है, मुझे व्लॉग करना है। तो बड़ा दिल से खुश हूँ मैं यार, आप सबका शुक्रिया। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहु। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। आगे एक और न्यू व्लॉग के साथ। तो अभी दोपहर के 1:30 बज रहे हैं, तो मैं जा रहा हूँ जुमे की नमाज़ पढ़ने। तो जुमे की नमाज़ पढ़ते हैं, और आप लोग के भी इधर जो जो नमाज़ हो रही है आप लोग वो पढ़ लें, तो मैं भी नमाज़ पढ़ के आता हूँ, फिर आपसे मिलता हूँ। सब जगह पानी ही पानी है। अल्हम्दुलिल्लाह नमाज़ पढ़ ली है, और बहुत अच्छी फीलिंग्स आती हैं यार नमाज़ पढ़ ली है, और हवा भी थोड़ी तेज़ है। उम्मीद है आवाज़ आ रही होगी आप लोगों को। तो अभी जा रहा हूँ ऑफिस, कुछ खाते हैं, उसके बाद फिर नमाज असर में मैं आपसे मिलूँगा। पार्क में नमाज़ पढ़ेंगे, और आप लोग भी नमाज़ पढ़ा करें बाद जमात। तो मैं फिर नमाज असर में मैं आपसे मिलता हूँ। तो अभी शाम के 5 बज रहे हैं, तो अभी मैं आया हुआ हूँ पार्क में, अभी नमाज़ पढ़ते हैं, और अभी तक पानी नहीं सूखा। तो नमाज़ पढ़ते हैं, नमाज़ में तो अभी टाइम है, थोड़ा चहलकदमी कर लेते हैं और फिर देखते हैं नमाज़ पढ़ते हैं, मज़ा आ जाएगा यार। लेकिन प्रैक्टिस नहीं कर सकते अभी हम लोग, नमाज़ पढ़ते हैं। चारों तरफ पानी ही पानी है, तो चलो जब तक थोड़ा घूमते हैं, उसके बाद फिर नमाज़ पढ़ते हैं। और भाई मौसम चेक करो, फुल समेक्सी मौसम हो रहा है, ठंडी हवाएं चल रही हैं, गला खुश्क हो रहा है, फुल समेक्सी मौसम हो रहा है। अभी थोड़ा घूमते हैं, फिर नमाज़ पढ़ेंगे। और जिस तरह का मौसम हो रहा है ना, ऐसे लग रहा है कि बारिश होएगी 120 की स्पीड में, समझ रहे हो। 1-5 का कारपेटर लगाया हुआ है बादलों ने, और फुल हैवी किस्म की बारिश होने वाली है। लेकिन कराची है, इधर कुछ भी हो जा सकता है। अभी एकदम धूप निकल सकती है, क्योंकि दिस इज़ कराची, तो समझ सकते हो तुम कराची वालों। तो बहरहाल मैं तो कहता हूँ बारिश हो जाए, लेकिन बस अल्लाह ताला अपनी रहमत बरसाएं, नुकसान ना हो लोगों का। और बस जगह ही तलाश कर रहे हैं कि कोई जगह मिले और वहाँ पर हम प्रैक्टिस करें, लेकिन नहीं। अब हम 3-4 दिन से जो प्रैक्टिस कर रहे हैं, वो बड़ी अच्छी किस्म की प्रैक्टिस कर रहे हैं, नमाज़ पढ़ रहे हैं, तो ढूंढ रहे हैं, लेकिन अभी तक सब जगहों पे पानी है। ऊपर से वो जिम में भी पानी है, तो हर जगह पानी है, पानी पानी हो गया सब कुछ। अरे ख्वाब हमारे पानी पानी हो गए, एक्सरसाइज हमारी पानी पानी हो गई। अभी नमाज़ पढ़ते हैं, उसके बाद आज क्लास भी, आज कोचिंग भी जाएंगे, तो अल्लाह गुल्ला मचाएंगे कोचिंग में। लेकिन ज़्यादा नहीं कि सर हमें कोचिंग से बाहर निकाल के बोलें चल मेरा पोत तू छुट्टी कर, ये सीन नहीं करेंगे। वहाँ चलते हैं, फिर बैठ जाते हैं उधर, इमाम साहब का वेट करते हैं, इमाम साहब आ जाएंगे, फिर नमाज़ पढ़ते हैं, फिर उसके बाद कोचिंग जाऊँगा। तो फिर कोचिंग पहुँच के आपसे मिलता हूँ, तब इस ब्लॉग को कंटिन्यू करते हैं। मेरा ट्राईपोड स्टैंड बिगा हुआ है पिछले 6 दिनों से, सही बड़ी बड़ी घास हो गई है, होगी भी तो पहले से थी लेकिन बड़ी बड़ी हो गई है। ये देखो मेरा पूरा पाँव जा रहा है अंदर। चलो यार 2000 years later। और ये टेबल को क्या किया हुआ है। और दूसरी चीज़, बाहर बारिश हो रही है, कपड़े देख लो मेरे पूरे भीग गए हैं बाहर बारिश। मैंने पहले ही बोला था अभी बारिश होने वाली है 120 की स्पीड में, लेकिन 120 की स्पीड में तो नहीं हो रही, अभी खाली 20 की स्पीड में हो रही है। तो आओ देखते हैं। बाइक पे तो मैंने आते साथ ही कपड़ा दिया, देख रहे हो बारिश हो रही है। आए अपनी शहजादी भीग गई, चेक कर रहे हो फुल हैवी किस्म की बारिश हो रही है। शहजादी भीग गई, शहजादी का कपड़ा थोड़ा सा पतला है, तो इस वजह से ना शहजादी नंगी हो गई है। शहजादी कह रही है कपड़ा तो सही पहनाओ मुझे, ये ले यार शहजादी। ओहो फिर हो गया, छोड़ो उसको मिस कराओ यार। ये अपना है शहजादा। तो अभी देखा है कि बारिश तो भी कम ही हो रही है, 20 की स्पीड में हो रही है, लेकिन 120 की स्पीड में होने वाली है। लेकिन कोचिंग जाएंगे, और बस कोचिंग पहुंच जाए ना, अंदर पहुंच जाए फिर मसला नहीं है, क्योंकि फिर 2 घंटे की क्लास होती है, तब तक बारिश रुक जाएगी, फिर कोचिंग चलते हैं। भाईजान ही छोड़ेंगे, तो मेरे भाई हैं उसामा भाई, वो छोड़ेंगे। बाकी पीछे टेबल आ रहा है, अगर आ रहा है तो मुझे नज़र नहीं आ रहा, क्योंकि मैं बैक कैमरे से बना रहा हूँ, तो इस वजह से अगर आ रहा है तो उसको नहीं देखो, क्योंकि वो पुठा हुआ है। तो चलो फिर अभी कोचिंग चलते हैं, और कोचिंग से आकर मैंने आपसे एक बहुत इंपॉर्टेंट बात करनी है, तो वो इंपॉर्टेंट बात सुनकर जाना, तो वो फिर कोचिंग से आकर ही करूंगा मैं बात। तो लैपटॉप आज रहने देते हैं, क्योंकि बारिश हो रही है बाहर और तेज भी हो सकती है, तो इस वजह से आज लैपटॉप रहने देते हैं, क्योंकि एक ही लैपटॉप है मेरे पास यार, अगर ये भी भीग गया तो मैं काम किस पर करूंगा, समझ रहे हो ना। तो चलो फिर कोचिंग चले, तो कोचिंग पहुंची हूँ अभी, अभी चलते हैं ऊपर, गेट खुला हुआ है। अस्सलामु अलैकुम। और भाई कैसा है। ये भाई न्यू लुक आ गया लड़के का। सलाम वालेकुम समद भाई, आप किधर गए हैं यार। ईद मुबारक भाई। ईद मुबारक। कैसे हो भाई, ठीक हो आप।
लास्ट क्लास में नहीं आए आप यार, बस वो व्लॉगिंग में बिजी था। जॉब कर रहे हो? व्लॉगिंग में बिजी थे। व्लॉग बना रहा है ये भाई, पार्टी है। एक और बंदे ने हमें ज्वाइन कर लिया व्लॉग। भाई मेरे चैनल पर सब्सक्राइब जरूर करना, अभी एक भी वीडियो अपलोड नहीं किए करूंगा। किस नाम से? अभी बनाऊंगा। अभी अकाउंट भी नहीं बनाया, चैनल भी नहीं बनाया, तूने ख्वाब में सोच लिया। भाई मैंने कंटेंट सारा बना। अस्सलाम वालेकुम। आज ये यूज़ करेंगे, लैपटॉप नहीं आ गया, बारिश हो गई करेंगे। थोड़ा बहुत आता है सेफ एंड एग्जिट, सेफ एंड एग्जिट को दबाना है हमने। F10 हाँ, ऑन हो गया। इसका पासवर्ड है 1 2 3। ओहो 1 2 3। आपको जो पढ़ाया वो लिखे, आके हैक कर लो एफटेक का पीसी, हैक कर लो। वैसे भी ये कचरा है, अभी क्लास ले लेते हैं बाद में। 2 hours later। ओके ब्रो, अल्लाह हाफिज। मेरे लिए रुके हुए थे मेरे भाई। ओके अल्लाह। ओके ब्रो, अल्लाह हाफिज। चलो यार फिर घर चलते हैं, घर चल के मिलता हूँ। चौधरी साहब एक कौन सा मसाला लेना है? बलाश टिक्का मसाला दे दो, और एक बहुत होगा बलाज, एक और दे दो। कितने हो गए इसके? 60 रुपये हो गए, खाते में डाल दे भाई। तो हाँ यार, अभी सीन ऐसा है कि मैं कोचिंग से आ गया हूँ, और दूसरा ये बलाज भाई बैठे हैं अपने साथ, इनका भी यूट्यूब का चैनल है, आपको लिंक दे दूँगा डिस्क्रिप्शन में। और दूसरी चीज़ ये है कि अभी आज चैनल मोनेटाइज कर रहे हैं हम लोग, तो आज फाइनली हम लोग अपना चैनल मोनेटाइज कर रहे हैं। और यार आप लोगों के प्यार की वजह से, आप लोगों के सपोर्ट की वजह से मैं यहाँ तक पहुँचा हूँ। तो हकीकत में यार 1K एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है, नए यूट्यूबर होते हैं उनके लिए बहुत बड़ी एक अचीवमेंट है। यार भाई को सपोर्ट करो, क्योंकि ये वो लोग हैं जिनके अंदर टैलेंट होता है लेकिन इनको टीवी पे आने का चांस नहीं मिलता। तो भाई को जो है सपोर्ट करो, सब्सक्राइब करो, बगैर बोले भी किया करो। लेकिन आप यहाँ तक भी लेके, आपका इससे मैं आपका दिल से शुक्रिया करता हूँ कि यहाँ तक भी मैं पहुँचा हूँ, और आज अपना मोनेटाइज करूँगा। लेकिन मैंने बोला आप लोगों को बता दूँ, क्योंकि आप लोग से अब कोई चीज़ नहीं छुपाएंगे, आप लोगों को तो बतानी हर चीज़। तो और दूसरा बलाज भी का चैनल मैंने डिस्क्रिप्शन में भी दे दूँगा, तो उनके चैनल को सब्सक्राइब कर लो, और इनके भी व्लॉग आ रहे हैं तो वो भी ज़रा चेक करो। तो चलो अभी फिर मोनेटाइज करते हैं, और बारबेक्यू का भी सीन बना लिया हम लोगों ने। बिल्कुल यार, कल इंशाल्लाह ने हुक्म दिया तो बारबेक्यू करेंगे, बारबेक्यू हम लोग करेंगे कल। तो मसाले हम लोग ले आए, ये मसाले पड़े हुए, तो और दूसरा जो गोश्त है, गोश्त हम लोग वहाँ पर रख के आ गए, वो पूरा हुआ है फ्रीज, और दूसरा उसको मैंने पानी में रखा हुआ ताकि वो थोड़ा मेल्ट हो जाए, उसके बाद फिर उस पर मसाले मसूले लगा के आराम से कल के लिए रेडी कर देंगे। क्योंकि अगर आज मसाला लगा के रखेंगे ना तो कल तक, हाँ जिंदा हो जाएगा, तो कल ये होगा कि कल तक वो बिल्कुल ओके की रिपोर्ट में हो जाएगा, और वो जल्दी भी बनेगा और मज़ेदार बनेगा। वो चलो फिर मोनेटाइज करते हैं। तो ये जो फर्स्ट स्टेप है इसको करते हैं स्टार्ट हम लोग। तो अभी अपना चैनल मोनेटाइज कर दिया है, अब जो एडसेंस का अकाउंट होता है ना तो उसमें एक दिन लगता है, कम से कम 24 घंटे का टाइम होता है। तो वो देखेंगे पहले अकाउंट मेरा कि मैंने डिटेल सही डाली है, उसके बाद फिर एक दिन के बाद जो थर्ड वाला होता है ना वो ऑटोमेटिकली इन प्रोग्रेस में चला जाता है। वो जो यूट्यूब की टीम होती है ना वो मेरा चैनल पूरा रिव्यू करती है, देखती है कोई इसमें रियूज कॉन्टेंट तो नहीं है। तो बहरहाल कोई रियूज कॉन्टेंट नहीं है, मेरा सारा कॉन्टेंट अपना है। एक दो दिन लगेंगे उसमें मेरा चैनल मोनेटाइज हो जाएगा। लेकिन मैं अभी भी बता रहा हूँ कि जो आपका भाई अगर आज इस मुकाम पर है तो आपकी वजह से, और मेरे आपका भी बहुत बहुत शुक्र है, तो अल्लाह ताला का बहुत बहुत शुक्र है। और आप सबको भी दिल से शुक्रिया कि आप लोगों ने इतनी इज्जत दी, और 1K सब्सक्राइबर यकीन मानो सबसे बड़ी खुशी है। तो इंशाल्लाह 100K सब्सक्राइबर भी हम लोग कर लेंगे, तो अपना सिल्वर प्ले बटन आएगा वो तो फिर अलग ही खुशी है। अभी आप चैनल को सब्सक्राइब कर दो, वीडियो को लाइक कर दो। तो बलाज भाई आए हुए, बलाज भी व्लॉग नहीं बना रहे, क्या शक्कर है? बनाएंगे यार, अभी जरा मसाले हमने ला के रखे हैं, हाँ थोड़ा सा गोश्त आ जाए तो मज़ा, देखते हैं जाके गोश्त की क्या हालत हुई हुई है, तो वो भी आपको दिखाता हूँ मैं। ये रखा हुआ अभी पानी में थोड़ा सा हो जाए, एक ये पड़ी हुई है।
तो हाँ यार अभी सारे काम हो गए, लेकिन एक मसला हो गया कि जो बोटियाँ है ना वो अभी तक मेल्ट ही नहीं हुई, क्योंकि यार वो फ्रिज में रखा हुआ था तो इस वजह से अभी तक मेल्ट नहीं हुआ। तो लेकिन पानी में रखा हुआ है उसको मैंने, अभी उसकी मैं छोटी बोटियाँ करके रख दूंगा और जो मसाला है वो हम कल सुबह लगाएंगे। मसाला कल सुबह लगा के पूरा दिन हमारे पास होगा, तो ये कि मसाला ठीक से लग जाएगा। आप लोगों के सपोर्ट की वजह से इस मुकाम तक पहुँच सकता हूँ, वरना मैं आपके सपोर्ट के बगैर कुछ भी नहीं हूँ। तो इसी तरह सपोर्ट करते रहे, इससे ये होगा कि मैं भी थोड़ा मोटिवेट हो जाया करूँगा। और कल बारबेक्यू का सीन है शाम का, तो वो व्लॉग मिस नहीं करना, सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दो ताकि तुम्हें उस व्लॉग का नोटिफिकेशन आ जाए। तो मैं यहाँ पर व्लॉग को एंड करता हूँ, व्लॉग पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना। मिलते हैं ऐसी किसी और व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। खली वली।